और जहाँ पे बिंदा की पुर्तियाँ चेक करें 30 सेकंड के अंदर अंदर ना ये सारी स्टेयर्स उतर के वो नीचे पहुँच जाती है। अब ये हमारा मकसाई में पहला दिन है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं, गर्मी है यहाँ पे, अच्छा खासा टेम्परेचर है ना, 31-32 तो है। और यहाँ पे ये बिंदा की स्ट्रीट है, ठीक है, यहाँ पे ना सारी जो असल में बिंदा यहाँ पे दग्राटे लगाती है यहाँ पे तो बिंदा का सारा टाइम यहाँ पे होता है, इसने स्कूल भी जाना होता है फ्रेंच क्लासेस लेने के लिए, तो ये सारा बिंदा के इलाके है, तो यहाँ पे सारा शॉपिंग करने के लिए भी ना लोग यहीं पे आते हैं। और गूगल मैप से ज़्यादा मेरा मैप ज़्यादा तेज़ है। हाँ माशाल्लाह से। अब यहाँ पे देखें कि मकसाई में जो बिल्डिंग्स है ना यहाँ पे मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में गली सिस्टम होता है वैसे ही है ना, पैटर्न सेम है। और वैसा है बना हुआ तो पता ही नहीं चलता, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई कि अगर मुझे अकेला छोड़ दो ना तो मैं बिंदा के घर नहीं पहुँच सकती। लेकिन ये जब भी शुरू में आई थी ना, मेरा ख्याल पहले ही हफ्ते इसने सब इसको पता चल गया था कि कहाँ से निकल के इसके घर पर आना है। तो उसके बाद हम मुझे बच्चों के लिए खुले जूते लेने थे, मैंने सोचा था यहाँ पे ही जाके ले लूँगी, और हमारी तरफ तो मौसम आपको पता है कि ज़्यादा गर्म नहीं होता तो बच्चों का शूज़ में भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे अशद ज़रूरत हुई असल में हम बच्चों के खुले जूते ले लिए जाए। तो यहाँ पे जब हम आए तो बच्चों के जूते देख रहे थे तो एक जूता ना काफ़ी अच्छा लगा। और ये बाजी जो है जूते ट्राई कर रही हैं, और ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है, बाजी यहाँ पे जूता ट्राई कर रही हैं और ये जूता बहुत अच्छा लग रहा है बाजी को। और बाजी ये ले लें आप, ये आपको बहुत सूट कर रहा है, पाँव सीधा रखें। लेकिन ये साइज़ बड़ा है, साइज़ छोटा मिल जाएगा वो आप ले लें, साइड पे करें थोड़ा पाँव। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी ज़रा चेंज है कि यहाँ पे ट्राम्स, और जैसे पेरिस में चलती है ट्राम्स भी हैं बसेस भी हैं, हमारे तो तरफ तो सिर्फ बसेस है, मेट्रो भी है तुम मतलब। हाँ, हाँ, मेट्रो। तो अभी हम ट्राम में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जब हम बैठे हुए थे तो बिंदा को ये आंटी नज़र आई और बिंदा इनसे बड़ी इंप्रेस हुई। क्या शाहकार था खूबसूरती। हाँ इतनी उन्होंने माशाल्लाह हेड टू टो ना उनकी मैचिंग बेहतरीन किस्म की थी, ऑरेंज कलर में। और मज़े की बात वो हमारे वाले स्टॉप पर उतरी और बिंदा को और क्या चाहिए था, भागी भागी गई और जाके ना उनको कंप्लीट उनको शूट किया। कैप आप चेक करें और अच्छी खासी माशाल्लाह ग्रेजुएट थी। हाँ और हम दोनों ये सोच रहे थे कि जवानी में कितनी मॉडर्न होगी, है ना, मतलब ज़बरदस्त इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, नहीं जिंदा दिल, जिंदा दिल और कलरफुल सा। अच्छा मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना मेरी ज़िंदगी से तो कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब मकसद इसीलिए मैं बुलाती हूँ ताकि कलर दोबारा आ जाए, मतलब हमारी तरफ तो ज़्यादा तुम देखोगे ना ब्लू ब्लैक इसी में नज़र आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उधर से उतर के हाँ ये हमने दोबारा बस ली थी और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, पार्क बोली, और ये नेचर पार्क है और यहाँ का एरिया बहुत मज़े का था ना, खुला खुला सा। इसके अंदर मल्टीपल पार्क्स है आगे। अच्छा चाइनीज़ शेनवाज़ का अलग है और जापनीज़ का अलग है। अच्छा जब भी हम एंटर हुए ना तो यहाँ पे हैरीबो वालों ने एक उन्होंने रखा हुआ था छोटा सा शो, जिसमें ये था कि हमने ये इसको तोड़ना था और हर फैमिली में से ना सिर्फ एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता था, तो हमारी तरफ से ओनी ने किया था, हमारा शेयर गया। हाँ ये गया और इसको हमने तोड़ना था और इसके अंदर से निकलनी थी जेलीज, और मज़े की बात ये है कि ये जेलीज हलाल नहीं थी, जेलेटिन था इनके अंदर, और हमें सिर्फ ये शौक था कि हमने ये गेम खेलनी है और जीतना है, तो ओन को हमने आगे कर दिया और आप देखें ओन कैसा खेलते हैं। दूर हो नहीं, दूर हो, थोड़ा सा दूर हो, जोर से जोर से जोर से जोर से ओनी, जोर से ओनी, ओकोख ओनी फटने वाले ओनी ओनी ऊपर 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 ओनी आखा, जोर से फट गए, फट रहे फट रहे, गुड ओनी गुड 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 ओकोख, सेफिनी 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 सेफिनी। अच्छा इस गेम में हमने ये हमारी 3 पिक्चर्स भी बनी हैं और हमें ये इतनी ज़्यादा जो है वो जेलीज है जिसमें से एक भी हम नहीं खा सकते, कोई भी हलाल नहीं है, और ये सब हम बच्चों में बांटेंगे। ये भी हलाल है? नहीं बेटा ये हलाल नहीं, सारे जेलेटिन वाली हैं, नहीं जीरो जेली। अच्छा हमने पूरा पार्क घूमा और ये वाला जो था ना ट्री, इसने हमें बड़ा अट्रैक्ट किया, बहुत बड़ा था, मतलब इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा थी और इसको दिल कर रहा था कि कोई चारपाई हो नीचे रख के बंदा सोए, है ना। बंदा जो है वो गई है वॉक करने, इसलिए कि उसके ना डॉक्टर ने उसे कहा है कि पर डे उसके 10,000 से 12,000 स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आने से उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो, तो अभी वो वॉक करने गई है। मुझे भी बड़ा दिल था लेकिन बच्चों की वजह से इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं इनके पास बैठती हूँ। यहाँ पर हरमैन खेल रही है, ओनी जेमी हरमैन को देख रहे हैं और ज़रा अंदर जा रहे हैं, और
अच्छा मौसम है, गर्मी तो है लेकिन यहाँ पे हमारे ना तो हवा है, मौसम अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। और ये रास्ता बहुत प्यारा सा है वॉक शॉक करने के लिए। बिंदा के बिंदा और जेमी वापस आ चुके हैं। 10,000 हो गए बिंदा, स्टेप्स कितने हुए हैं? अरमैन किधर है? अच्छा ये वाला सीन देखा ना हमने तो हम बड़े खुश हुए, इसलिए कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो होता है पीकॉक वो ऐसे पोजीशन में बहुत काम आता है ना, ज़्यादातर उसके जो ये विंग्स ही होते हैं वो पीछ बंद ही होते हैं। तो यहाँ पे ये डांस कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, इसको देख के ना हम लोग बड़े खुश हुए, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। देखिए ये उधर पहाड़ भी हैं मकसाई में, और सेबो आ जाओ, बच्चे वहीं पर खड़े हुए थे कि मामा हमारी पिक्चर बना रही हैं। और ये सारा और इस साइड पर बड़ा ही प्यारा व्यू है जैसा ये देखें, अभी धूप में मुझे नहीं नज़र आ रहा, आपको पता चलेगा कि कैसा व्यू है, बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। क्या आओ नहीं मम्मी तो कुछ दिखाने वाले हैं, आओ दिखाओ है। फिर कहाँ पे है आगे, फिर रुको बिंदा को आने दो, इकट्ठे ना चलें। अच्छा पार्क में हमने 3 से 4 घंटे गुजारे थे है ना, और उसके बाद बच्चे जो है वो काफ़ी थक चुके थे, तो ये कह रहे थे कि हमने मैकडोनल्ड जाना है, मैकडोनल्ड जाना है। तो हमने सोचा यहाँ पे करीब ही ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी हलाल ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए कि मकसाई में ना मुसलमान कम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ना हलाल खाने की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। लेबनीज़ भी है और इंडियन पाकिस्तानी भी मिल जाता है, टर्किश भी है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसा कि जैसे उसका बता रही थी चाट का, हाँ वो भी है पाकिस्तानी चाट्स, मतलब स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं लेकिन रास्ते में बिंदा ने दिखाया मुझे यहाँ पे ना ओलंपिक्स होने वाले हैं स्टार्ट फ्रांस में, और इस दफ़ा फ्रांस होस्ट कर रहा है ओलंपिक्स का, तो इनके ये सामने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है फ्लैग्स लगे हुए थे वो हम देख रहे थे, बिंदा हमें दिखा रही थी। और यहीं पर करीब ही एक इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है राजा, हमने वहाँ से खाना खाया, और खाना अब पता है खाना खाने से पहले तो उसको देखने का मज़ा आता है, और उसकी खुशबू मतलब वो आपको आधी भूख तो आपको उधर से और ज़्यादा मज़ीद ट्रिगर हो जाती है ना, और खाने का दिल करता है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे सामने हो टिक्के और नान, टिक्के और नान फोमाज चीज़ नान, तो वो हमने पहुँचे वहाँ पे पहुँचे बच्चों ने, मेरे बच्चे इतना अच्छा खाते नहीं है लेकिन यहाँ पे पहुँच के उन्होंने सही अच्छे तरीके से खाया। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, जैसे कि मुझे लगता है हमारा ख़ानदानी मसला है कि हमें ना टिक्के अच्छे लगते हैं, मेरे आगे बिंदा के आगे भी जो मर्जी चीज़ रख दो ना तो हमारी प्रेफरेंस में जो चीज़ होती है वो होती है टिक्के। अच्छा लेकिन जब हमने बिरयानी खाई ना तो हमें लगा कि शायद बिरयानी बहुत मज़े की है, जब हमने सैलेड चखा तो हमें लगा हम बिरयानी खाने आए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब नान फोमाज सब कुछ चीज़ें बहुत मज़े की थी, लेकिन टिक्का भी बहुत मज़े का था, सारी चीज़ें ना बहुत मज़े की थी। हम इसको ना 5 out of 5 ही इसकी रेटिंग रखेंगे, और अगर आप लोगों को चक्कर लगा ना मकसाई का तो आप ज़रूर 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 एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। राजा रेस्टोरेंट है और ये कहाँ पे है, कहाँ पे खादो पे, खादो खादो है मेन स्टॉप वहाँ पे प्लाश के पास ही। तो उसके बाद हम जब वापस आए यहाँ पे व्यू पॉक पे, तो यहाँ पे ना स्टॉल्स लगे हुए ओलंपिक्स की वजह से ही शायद है ना बिंदु, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान का झंडा नजर आया ना तो आपको पता है वो अंदर वाला मुहिब्बे वतन वो बार बार जाग रहा था, तो हमने इसकी वीडियो बनाई। तो यहाँ पे काफ़ी कल्चरल चीज़ें, मतलब कल्चरल तो नहीं थी, बहुत से कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, वो अपनी अभी हर किसी ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अभी तक पाकिस्तानी नहीं पहुँचे, पाकिस्तानी मैं हूँ ना बस, और ये यहाँ पे सारा कुछ ये मकसाई होते हैं। अच्छा ये देखिए मकसाई की रौनक तकरीबन आप कहेंगे 10, 10:30 हो गए और यहाँ पे ये रौनक चेक करें, सब बच्चे घरों से बाहर हैं और यहाँ पे ये सब खेल रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है। मैं और बिंदा हम भी यहाँ पे बैठ गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे तो उस इस टाइम पे सब सोए हुए थे, कोई आराम सुकून से, और यहाँ पे सही रौनक, और यहाँ पे दोस्ती भी बन गई है। और कहाँ पे गए इनके बच्चे दोस्त? हाँ ये जेमी फुटबॉल खेलने लगे, वो है उसका भाई वो है, और एक दफ़ा फुटबॉल हमें पड़ चुकी है इस बच्चे के हाथों। अभी हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर और उसके बाद घर जाएंगे। आई होप हमारा आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है और आपको भी अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली स्पेशली मेरे अब्बू की मकफ़रत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।